क्वेश्चन नंबर वन का फोर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखिए यहां पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो। तो देखिए यहां पे क्या भरेंगे, तो देखिए हम यहां पे ए भरेंगे, ठीक है। ये क्यों भरेंगे, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए इंटू हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, ठीक है। तो देखिए अल्फा शून्यक है, तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इंटू में ए रहेगा, ठीक है। तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसीलिए हम यहाँ पे ए भरेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो देखिए रिक्त स्थान में भी ए आएगा, ठीक है। ए इंटू जो भी उसका गुणनखंड आया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, उसके साथ गुणा में ए रहेगा यहाँ पे, देखिए रिक्त स्थान में। देखिए इसको हम समझने के लिए एक हम लेते हैं, देखिए द्विघात समीकरण मान लीजिए लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस 10, ठीक है। तो देखिए इसका पहले हम गुणनखंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं शून्य क्या आता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स को हम लिख सकते हैं दो एक्स प्लस पांच एक्स, देखिए पांच और दो सात एक्स होता है, और पांच गुने दो दस एक्स स्क्वायर, देखिए गुना में दस एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ में सात एक्स, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस दो, यहाँ पे पांच कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस दो, तो देखिए एक्स प्लस दो एक्स प्लस पांच, तो इसका शून्य क्या आ गया, इसका शून्य का आ गया, देखिए प्लस दो है, तो यानी शून्य किसका हो गया, माइनस दो और माइनस पांच, ठीक है। अब देखिए तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो एक है यहाँ पे, देखिए इसको हम एक एक एक्स एक एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या होगा, एक, जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में ए भरे थे उसी तरह यहाँ पे एक होगा। देखिए अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं, देखिए दो एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस छ, ठीक है। तो देखिए इसको हम लेके देखते हैं, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए आठ एक्स है, तो इसको हम छ एक्स प्लस दो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए छह दो आठ, छह दूनी बारह, देखिए गुणनखंड ये दोनों का गुना होना चाहिए और बीच वाला को जोड़ करके आना चाहिए, तो देखिए इसका कॉमन लेंगे तो हो जाएगा दो एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस तीन, प्लस यहाँ पे देखिए दो कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस तीन, तो देखिए इसका हो गया दो एक्स प्लस दो और एक्स प्लस तीन, तो देखिए इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन, तो देखिए इसका शून्य क्या आ गया, माइनस दो और माइनस तीन आ गया है। इस द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस दो और माइनस तीन शून्य है, तो देखिए यहाँ पे दो इसके आगे लगा हुआ है, देखिए इसके गुणनखंड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे था एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के आगे ए, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, उसी तरह यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, दो है, तो देखिए दो आ गया है यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के बाद, तो उसी तरह हम यहाँ पे ए भरेंगे, जिस तरह देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक दो है, तो दो देखिए अंत में आ गया है इसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा, तो इसी तरह एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन, तो यहाँ पे माइनस दो और माइनस तीन है इसका शून्य, इसीलिए देखिए प्लस में आया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है इसीलिए अल्फा बीटा यहाँ पे प्लस में इसका शून्य है, तो देखिए बस उसके आगे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक ही भर देंगे, यहाँ पे देखिए ए भरेंगे इसमें इसी तरह से, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए आपको बस इतना हम किए थे इस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस ए।